الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير Lesson number 26 में से कुछ चीजें बची थी तो मैंने सोचा पहले इनको जरा हम उठाएं. इसमें क्वेश्चन नंबर 12 को हमने कंप्लीट किया था लेकिन इसको जरा मैं दोहराना चाहता हूं कि ये फ़ैल मुज़ाफ के बारे में है कि जब आप फ़ैल मुज़ाफ को लिखते हैं तो फ़ैल मुज़ाफ में आखिर का जो है उसमें चूंकि सेकंड और थर्ड रेडिकल जो है सेम होता है, एन कलमा और लाम कलमा सेम रहता है, तो जब हम इसको फैले अमर बनाते हैं या फॉर एग्जाम्पल हम इसको मजजूम बनाते हैं तो उस वक्त कभी कभी क्या होता है कि अगर ये बिसुकून यानी मजजूम बिसुकून हो जाए उसका मतलब ये होता है कि वो सेगे फैले मुदारा के वो सेगे जहां पर अगर आप फैले मुदारा से पहले लम लगाएंगे तो फैले मुदारा के आखिर पर सुकून आएगा, न कि नून खत्म हो जाएगा और वो हो जाएगा, नहीं वो नहीं हो जाएगा जैसे अफाल खमसा में होता है. उन 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 सेगों की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उन सेगों की जो जिनके ऊपर क्या जिनके ऊपर सुकून लग जाती है. उनके बारे में हमने जनरली पढ़ा था कि भाई उसके बारे में आप क्या करते हैं, आप ऐसे कहते हैं लम या शुद्धा, फॉर एग्जाम्पल या शुद्धो, तो आप लम या शुद्धा आप इसको जज्म के बजाय जबर लगा देते हैं. लेकिन जब इदगाम रहे, आज आप ये पॉइंट इसमें सीख रहे हैं कि इस जैसे सेगे में दोनों चीजें पॉसिबल है, यानी अगर आप इस तरह लिखें लम या शुद्धा या इस तरह कहें तो ये भी ठीक है, अगर आप इस इदगाम को ब्रेक करेंगे लम या शुद्ध तो ये भी सही है. इसी तरह अमर में शुद्धा उशुद्ध, लेकिन अगर आप इसका तस्निया का कायदा तस्निया का ये सेगा पढ़ेंगे तो वहां तो शुद्धा वहां तो ये उश दूध या लम यश दूध लिखने की जरूरत नहीं, शुद्धा शुद्धु शुद्धि शुद्ध फिर उश दूध ना वहां तो नून जबर ना आता है तो इसलिए वहां फक्को इदगाम होता है. ये हमने कल पढ़ा था. तो इसी तरह कुरान की एक मिसाल लाई थी वहलुल उकदतम मिन लिसानी वहलुल, तो यहाँ असल में जो फेल यहाँ है यह हल्ला हल्ला या हल्लु, तो हल्ला या हुल्लु से जब हम फेले अमर बनाएंगे दुआ के लिए तो हम कहेंगे हुल्ला हुल्ला उकदतम, जैसे आप कहते हैं शद्द या शुद्ध से शुद्धा, जैसे यहाँ है या आप मद्द या मुद्द से मुद्दा, ठीक है. तो इसमें क्या हो जाएगा वहलुल ये हुल्ला उकदतम में लिसानी था बनना चाहिए था लेकिन चूंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं तो अल्लाह ने यहाँ इदगाम को ब्रेक करके इस वर्ड को इस्तेमाल किया तो हमारे पास वर्ड आ गया वहलुल उकदतम मिन लिसानी. ये हमने कल पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 13 एक सिंपल सा सवाल है मा नौ ओ मा फी अल्हम्दुलिल्लाह फी कमा यतकल्लमु अहलु फरंसा, यानी ये सेंटेंस जो मुदर्रिस ने इस्तेमाल किया था कि आप इस तरह फ्रांसी जबान बोलते हैं जैसे कमा यतकल्लमु अहलु फरंसा जैसे फ्रांस के लोग वहां नेटिव्स जो बोलते जैसे नेटिव्स बोलते हैं. तो ये कमा में जो मा है ये मा इसकी नौयत क्या है, ये कौन सा मा है, क्या ये मा मिसाल आपने एक मा पढ़ा है मा नाफिया, क्या ये नाफिया है नहीं, क्या ये इस्तेफामिया है जैसे आप क्वेश्चन करते हैं मा इस मस मुकर नहीं वो भी नहीं है, तो फिर ये माँ क्या चीज है, इस माँ को हम क्या बोलेंगे, ये क्या माँ है, आप गेस कर सकते हैं शबाश. मौसूला नहीं, हाँ अगर मौसूला कहेंगे तो इसका मतलब बनेगा कल्लजी यतकल्लम, ठीक है कल्लजी यतकल्लम यानी उस शख्स की तरह जो बोलता है आलो फरंसा, तो थोड़ा सा मीनिंग में गड़बड़ हो जाएगी. ये असल में यहाँ है मा माई मा अल मजदरिया, क्या है मा अल मजदरिया, यानी ये मा प्लस ये तकल्लम
फेल जो है फेल मुदारा, ये मजदूरी माने में है, यानी अंत तत्कल्लम लुगत अल फरंसिया था का तकल्लुम अहली फरंसा, का तकल्लुम तकल्लुम तकल्लम यतकल्लम तकल्लुम, तो मा प्लस यतकल्लम बनेगा मा प्लस मजदर तकल्लुम का, मा प्लस मजदर, तो हम कहेंगे का तकल्लुम अहली फरंसा, तो मा यहां मजदरी माने में, किस माने में है ये मजदरी है, मा यहां मजदरी है, मा मजदरी है, शाबाश। तो ये याद रखिए कितनी तीन किस्में आपने ऑलरेडी पढ़ी थी, मा नाफिया, मा इस्तिफामिया, मा मौसूला, ठीक है ना। तो चौथी किस्म आप आज देख रहे हैं ये मा अल मजदरिया है, यानी मा प्लस फेल मुदारा ये मजदरी माने में आ जाता, ठीक है। चलिए नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, मा मुफ्रदो अल जुलूद, जुलूद का मुफ्रद क्या है, जुलूद किसको कहते हैं, सिकिन को, तो इसका इसका वाहिद क्या है, जिल्दुन, बहुत अच्छा, जिल्दुन जमा जुलूद, जिल्दुन जमा जुलूद, शाबाश। नंबर 15, उज़कुर बाबा कुल्ली फ़ाल मिम्मा याती, ये अफाल जो है इनमें से हर फेल का बाब मुतायन करो, बता दो। नंबर 1, इस्तन सारा, इस्तन सारा, ये फेल सुलासी, सुलासी मजीद भी, रुबाई रुबाई मजीद भी, उनमें कुछ कुछ भी हो सकता है, आप इनको बताइए इन चार चार को कौन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मजीद फी से है, मजीद फी से, किस सुलासी मजीद फी से या रुबाई मजीद फी से, सुलासी मजीद, कौन सा बाब है, सुलासी मजीद फी के 12 बाब है, उसमें से हमने 8-9 पढ़े हैं, प्लस 3 कैटेगरी, 3 प्लस 3 कैटेगरी में, 3 प्लस 3 कैटेगरी में हमने एक ही बाब पढ़ा है, क्या है वो, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, क्या तर्जमा, नहीं नहीं, इस्तंसरा के बारे में कह रहा हूँ मैं, रुबाई ना, ये सुलासी है, 3+3 कैटेगरी, इनने ठीक बोला, फरहत ने ठीक बोला, लेकिन 3+3 कैटेगरी में कौन सा फेल है, कौन सा बाब है, सॉरी इस्तफ आला, इस्तफल अलफ सीन ते, ये नसर यंसरु मीन्स बिखेर देना, तो इसमें से पहले अलफ सीन ता लगा है तो ये बन गया इस्तफ आला, मिम बाबी इस्तफाल है ये। चलिए दूसरा तका आरा, तफा आला, हाँ बिल्कुल, 3+2 कैटेगरी, तफा आला, तफा आला, बहुत अच्छा। तीसरा फेल है इस्तब शरा, इस्तफ आला, बिल्कुल इस्तफ आला की है, इस्तब शरा, इस्तब शरा, बहुत अच्छा। और चौथा फेल है लाना, चौथा फेल क्या है, लाना, शाबाश। हाँ काला के वाला, काला नहीं, बा के वजन पर, क्योंकि लाना यलीन आता है, बा यबी हो, हाँ काला यकूल, तो वो तो वाव के साथ आता है, पेश के साथ आता है, तो काला यकूल नहीं बल्कि क्या है, लाना यलीन बा यबी के वजन पर है। तो ये चार बाब हैं, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं, मालम युगर गिर, ये ताबीर जो वो हदीस पाक में आई थी, मालम युगर गिर आई, यानी यहां तो माने तो हमें नहीं बताना है, माने तो हमने बता दिया कि जब तक न वो क्या करने लगे, वो गरारा करने लगे, मायत जो डेथ बेड पर आदमी है, जब वो गरारा करने लगे तो उसके बाद तौबा कबूल नहीं होती है। आई
यानी अब यहाँ ये इन अल्फाज पे गौर करना है, मालम युगरगर मीन्स आई मुद्दत अदमिल गर गरते, अदमिल गर गरते यानी गर गर करने ना करने की मुद्दत तक, गर गर ना करने की मुद्दत यानी जब तक न उसमें ये आसार पैदा हो जाए तब तक अल्लाह उसको क्या करेगा, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा। हाजी मा अल मजदरियतु अज़रफियतु, वो पीछे आपने सिर्फ पढ़ा क्या मजदरिया, लेकिन यहाँ आप पांचवी किस्म पढ़ रहे हैं अल मजदरियतु अज़रफियतु, यानी यहाँ भी ये मा भी इस गर गर को मजदर के माने में ले लिया इसने, मजदर के माने में, मगर ये सिर्फ मजदर के माने में ही नहीं बल्कि जर्फ के माने में भी, यानी उस वक्त तक जब तक नहीं ये चीज पॉसिबल हो जाए, तो इसलिए ये मा अल मजदरिया और अज़रफिया है दोनों इसमें है, यानी इसमें जब आपने ऊपर पीछे जो आपने मिसाल जब पढ़ी तो उसमें आपने देखा कि वहां पे ये नहीं था क्या नाम है जिसको आप बोलते हैं क्या नाम है ये माने तो नहीं था वहां मुद्दत का माने, ये मुद्दत का माने नहीं था, यहाँ तो मुद्दत का माने है, जैसे वो ऊपर कह रहा है आपको कि कमा यतकल्लमु अहलु फरंसा, तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि का मुद्दत तकल्लुम अहलु फरंसा, अहले फरंसा के तक गुफ्तगु करने की मुद्दत तक या लाइक समथिंग लाइक दैट, इस तरह का माने यहाँ पैदा नहीं होता है, यहाँ सिर्फ पैदा ये होता है का तकल्लुम अहले फरंसा, आप उस तरह बोलते हैं जैसे उनका बोलना है जैसे वो बोलते हैं, तो यहाँ सिर्फ मजदूरी माने में इस माँ को इसने ले लिया, इस माँ को ले लिया, ठीक है ना। लेकिन ये आगे जो आप मिसाल देख रहे हैं, आगे जो आप मिसाल देख रहे हैं, तो उस मिसाल में आप ये देखिए कि यहाँ सिर्फ माँ प्लस यू घर गिर घर गर गरत उनके माने में नहीं, यानी मजदरी माने में नहीं बल्कि मुद्दत के माने में भी है, यानी उस टाइम के बारे में जब तक नहीं ये चीज पैदा हो जाए, तो इसलिए हो गया माजी माँ अल मजदरी है मगर जरफी है भी, मगर जरफी है भी है, हाँ जरफी है। इसकी मिसालें और देखिए, पहले मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ, माँ मसरिफ मजदरिया जिसको हम कहते हैं मजदरियतुन या माँ मजदरिया मुजर्रदा, सिर्फ मुजर्रद मजदर है, उसमें जरफ का माने नहीं है, मुजर्रदतुन अन माना अज़रफ, उसमें टाइम का माने नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ अरे आप इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसे अमरीका के लोग बोलते हैं, तो इसमें टाइम फैक्टर नहीं आ गया, इसमें टाइम नहीं आ गया, जब तक ना टाइम आ जाए तब तक आप माँ को नहीं कहेंगे ये मजदरिया जरफिया है, तो जब टाइम एलिमेंट इन्वॉल्व हो तब आप कहेंगे कि ये मजदरिया और जरफिया है। मिसाल आपको एक मिसाल देता हूं, अजीब तो, अजीब तो मैं यहां लिखूंगा अजीब तो, अजीब तो मैं हैरान हो गया, मिम्मा तकूलो, मिम्मा तकूलो गैरल गैरल हक्के गैरल सॉरी गैरल हक्के गैरल हक्के, अजीब तो मिम्मा तकूल गैरल हक्के, मैं हैरान हो गया कि आपने आप जो कह रहे हैं कि मतलब एक गैर हक के कहने के बारे में मैं हैरान हो गया, यानी अजीब तो मिन, ये मिम्मा जो है ये मिन प्लस मा है ना, तो यहाँ बन गया अजीब तो मिन, मैं हैरान हो गया, मा तकूल जो है ये बनेगा मजदर के माने में, यानी अजीब तो मिन कौलिका गैर अल हकी, मैं आपके गैर हक बात करने पर हैरान हो गया, आपके गैर हक बात करने पर हैरान हो गया, तो यहाँ माँ जो है ये माँ मजदरी है, क्योंकि इसने तकूल को माँ प्लस तकूल को सिर्फ मजदरी माने में ले लिया और कोई इसमें टाइम एलिमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखिए दूसरी मिसालें, आप देखिए फॉर एग्जांपल
आप यहाँ क्या नाम है सैयब को अल इस्लाम मा बकी अल आलम, इस्लाम रहेगा जब तक दुनिया रहेगी, आई मुद्दत बका अल आलम यानी उस मुद्दत तक रहेगा इस्लाम जब तक आलम जिंदा, हाँ जब तक आलम जिंदा है। ये देखिए अब माँ ने बकिया को बका में यानी मजदर में चेंज कर दिया, लेकिन मुद्दत का एलिमेंट यानी टाइम का एलिमेंट भी तो इसमें मौजूद है। उस वक्त तक आप ये नहीं कहेंगे कि मतलब इस्लाम जिंदा रहेगा आलम जिंदा रहेगा, या आपको नेसेसरली ये कहना है इस्लाम तब तक जिंदा रहेगा जब तक आलम जिंदा, जब तक आलम बाकी है, जब तक दुनिया बाकी है, यानी हम कहते हैं कयामत तक रहेगा। तो माँ ने इस बकिया को के साथ मिलकर मजदरी माना तो पैदा कर दिए, लेकिन साथ साथ टाइम एलिमेंट भी इसमें आ गया। तो ये है माँ मजदरी या जरफी है। दूसरी मिसाल देखिए अतीउनी मेरी इतिबा करो मेरी फर्मा बरदारी करो, मा अतअतुल्लाह व रसूलहु जब तक मैं, जब तक जब आप जब तक कहते हैं ये टाइम एलिमेंट है यानी मुद्दत इताअती लिल अल्लाह व रसूलहु, उस वक्त तक उस मुद्दत तक आप मेरी इताअत करो जिस मुद्दत तक मैं अल्लाह और रसूल का जो है इताअत शार बंदा रहूं। आप समझ रहे हैं ना? माँ ने बिल्कुल मुद्दत का, ये मुद्दत देखो आप कंटिन्यूअसली आ रहा है मुद्दत मुद्दा मुद्दा, ये मुद्दत का एलिमेंट यानी टाइम एलिमेंट इसमें लगा दिया, तो ये बन गया माँ मजदरिया जरफिया। मैं आपसे कहता हूं कि मैं तब तक आपके घर नहीं आऊंगा जब तक ना आप मेरे घर आएंगे, ठीक है। लन अधूर भाई तक मालम तजुर बैती, मालम तजुर बैती मा प्लस जारा यानी अदमा, यानी अदम जियारत यानी मुद्दत अदम अदम जियारत जियारत का लिबाइती, जब तक ना आप मेरे घर की जियारत करें तब तक मैं आपके घर की जियारत वियारत नहीं करूंगा। इसी तरह आखिरी मिसाल देखिए इजलिस बैठो फी हाजल कुर्सी इस कुर्सी पर, मालम याती साहिबहु एज लॉन्ग एज इट्स साहिब डज नॉट कम, ये तो बंद ये कुर्सी तो यानी उस्ताद अपने किसी को कह रहा है यहाँ बैठो इस कुर्सी पर, आज तो वो बंदा नहीं आया है जिसकी ये कुर्सी है जिसका जिसकी ये जगह है, मालम याती साहिबहु जब तक ना वो आ जाए तब तक आप बैठ सकते हैं, आई मुद्दत आदमी इतियानी साहिबी आई मुद्दत आदमी इतियानी साहिबी ही अपने साहिब के आने ना आने की तक या आने तक सॉरी आने तक आप इस कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। हाँ तो बिल्कुल इसी तरह ये आप इसमें भी फॉर एग्जांपल आप मेडिकल में ये टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं फॉर एग्जांपल किसी को किसी की कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो आप कहते हैं कि आप ये गोश्त ना खाएं जब तक ना आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा नीचे आ जाए, कोई शुगर पेशेंट है तो आप कहते हैं आप ये मत खाएं मतलब ये फलान फलान चीजें मत खाएं जब तक ना आपकी शुगर लेवल डिक्रीज हो जाए, हाँ बराबर आ जाए वगैरह। तो ये आप मा अल मजदर अजरफिया तकरीबन हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसकी तरफ जो है ग्रामेटिकली इसकी तरफ जो ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पे लेसन नंबर 26 कंप्लीट हो रहा है, अब हम लेसन नंबर 27 की तरफ। किसी यहाँ मतलब कोई कोई क्वेश्चन तो नहीं रहा है, ठीक है ना? तो चलिए अब देखिए यहाँ जो है इसने दिखाया है थोड़ा उल्टा करके इसने दिखाया है कि फ़ैल जो है एक या तो सुलासी है या रुबाई है, फिर सुलासी की दो किस्में हैं मुजरद और मजीद भी, रुबाई की दो किस्में हैं मुजरद और मजीद भी, फिर इसने सुलासी के मुजरद के छः अब्बा बताए हैं
फिर मजीद फी के 12 अबवाब बताए हैं। इन 12 अबवाब में हमने तकरीबन 3+1 कैटेगरी के तीनों पढ़े हैं, 3+2 कैटेगरी के ये पांच पढ़े हैं, और यानी चार तो पढ़े हैं लेकिन इसमें एक कलर का नाम भी आता है, इफ अल्लाह यानी इह मर्रा इब्यज्जा इसवद्दा, इसको हमने टच नहीं किया था ज्यादा। और 3+3 कैटेगरी के में हमने एक ही पढ़ा था बाबी इस्तिफ़ाल, तो तीन हमने नहीं पढ़े थे चूंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं तो हमने इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं की थी। लेकिन रुबाई में, रुबाई मुजरद में एक ही फ़ैल है फ़ाला यानी तर्जमा, और रुबाई मजीद फी में तीन बाब है, 3+4+1 कैटेगरी और का एक बाब, 4+2 कैटेगरी के दो बाब, ये हमने सारे पढ़े। तो इंशाल्लाह ताला कभी टाइम मिला तो हम ये सुलासी मजीद फी के जो दो तीन अबाब जो कम इस्तेमाल होते हैं मगर पढ़ने हैं ना, बहरहाल इनको समझना है, तो उनको भी इंशाल्लाह ताला हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम जा रहे हैं लेसन नंबर 27 पर, यह है मुदरिस और उसामा के दरमियान और मुदरिस और अपने टीचर के एक गुफ्तगू है, जरा हम इस गुफ्तगू को पढ़ने की कोशिश करें। तो डॉक्टर साहब से करूंगा मैं ये क्या नाम है गुजारिश के आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल मुदरिस या उसामा अल मुराकिब यतलुबुका फी मक्तबी ही, ए उसामा, ए उसामा प्रोफेसर आपको बुला रहा है अपने ऑफिस में। बहुत अच्छा। उसामा أريد أن آخذ معي زميلي هذين. أريد أن معي. شباش. मैं चाहता हूँ अपने साथ आप दोनों साथियों को भी ले जाओ। आप नहीं, ये दोनों, हाजा ही नहीं, हाजा, हाँ ये दोनों, ये साथी दोनों, ये मेरे दो ये साथी, इनको भी ले जाओ। ठीक है। अल मुदरिस, अल मुदरिस लम यत लुब, लम यत लुबुल, यत लुबिल, हाँ यत लुबिल मुराकिब, मुराकिब इल्ला इयाक मुराकिब, ये यतलुब का फाइल बनेगा, लम यतलुब मुराकिब इल्ला इयाक। तो मुदरिस बोल रहा है उसने सिर्फ आपको बुलाया है। बिल्कुल। उसामा तो अख्शा अन्नहु नसिया, तो मुझे डर है कि शायद वो भूल गया। इन्नी व इयाहुमा मुश्तरिकून मसाबकती जो है ये मफू, ये क्या नाम है, मजदर है मुसाबकतुम, जैसे साबक युसाबिकु मुसाब, फाअला युफाइलु मुफाअलतुम, मुसाबकत फी की वजह से आए ना मुसाबकत। हाँ, लेकिन मीम के ऊपर पेश नहीं पड़ा था आपने, मीम के ऊपर जबर पड़ी। अच्छा, मुसाबकत। हाँ, हाँ, मुसाबकत। तो उस इन्नी व इयाहुमा मुश्तरिकून फी, तो मैं और ये दोनों मुश्तरिकून मतलब पार्टिसिपेटेड इन मुसाबकत सिबाहत, सुबह के ना मुसाबकत सिबाहत मीन्स रेस, रेस कंपटीशन, सॉरी सॉरी रेस नहीं, सिबाहत तुम कहते हैं इसको, स्विमिंग कंपटीशन, मुसाबकत मीन्स कंपटीशन, सिबाहत मीन्स सबह यसबो मीन्स टू स्विम, स्विमिंग कंपटीशन में हम लोग मुश्तरक है। मुश्तरक। अल मुदरिस, अल मुदरिस खुज हुमा इजन, तो ले लो इन दोनों को। हां तब तो ले लो, तब ले जाओ इन दोनों को। ठीक है, तब ले जाओ। أين كتاب 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 المدير يا إبراهيم؟ مدير की किताब कहाँ है ओ इब्राहिम? बिल्कुल। إبراهيم أعطيته إياه. बिल्कुल। أعطيت شباش
उसने आताई तो हु, उसने मुझे वो दी है। ना आताई तो मैंने दी उसको। अच्छा मैंने दी उसको, मैंने दी उसको वो, यानी हु या हो, वो किताब तो मैंने उसी को दे दी। आताई तो हु, अब यहाँ कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन ये है कि ये हु जो है, ये हु किसकी तरफ जा रहा है और ये या हु किसकी तरफ जा रहा है ना। किताब भी मुजक्कर है और मुदीर भी मुजक्कर है। इब्राहिम जवाब देता है, इब्राहिम कहता है आताई तो मैंने दिया, यानी तू तो इब्राहिम की तरफ जाएगा, फाइल की तरफ। हु या हो, क्या ये हु कहाँ जाएगा, ये आगे हम इंशाल्लाह ताला ये इस चीज के बारे में ठीक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस लेसन में आप ये जमायर जो है इन सब जमायर को एक साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप आगे बढ़िए, फिर हम देखेंगे। अल मुदरिस व अइन दफातिर तुल्लाब, और शागिर्द स्टूडेंट्स की नोटबुक्स कहाँ है। इब्राहिम आताइतुहुम इयाहा, अब तो मैंने उसको वो भी दी ना। अब तो क्लियर हो गया ना, जो ऊपर कंफ्यूजन है अब यहाँ क्लियर हो गया। अगर आप इस पे गौर करें, यहाँ पे कंफ्यूजन था कि आप ये कहेंगे आताइतुहु, मैंने उस प्रिंसिपल को दे दिया, इयाहु वही किताब, वही किताब। लेकिन यहाँ ये भी माने कि ये भी है कि आताइतुहु इयाहु, मैंने उसको, मैंने प्रिंसिपल को दे दी वही किताब, ये मैंने एक माने बोला। या ये कहेंगे मैंने वो किताब उसी को दे दी, यानी प्रिंसिपल को मैंने दे दी, मैंने वो उसी को दे दी। अब वही माने जो है यहाँ पे आइए, हु यहाँ प्लूरल में आ गया, क्योंकि दफातिर तुल्लाब, तुल्लाब प्लूरल है, किताब उल मुदीर, मुदीर सिंगुलर है। तो आपने आतायतु के बाद मफूल बी को लाया, फिर आपने उस चीज के बारे की तरफ मारे में इशारा लगा दिया, दफातिर या किताब की तरफ, जो उसके बाद आ गया है। या मैंने उनको दे दी वो किताबें, उनके वो कापियां, सॉरी मैंने उनको दे दी वो कापियां, नोटबुक्स। अल मुदर्रिस व अइन मजल्लती, तो टीचर और मेरी रजिस्टर कहाँ है। ना ना, मजल्लतुन मीन्स मैगजीन, मैगजीन सॉरी मैगजीन, मजल्लतुन मीन्स मैगजीन, मेरा मैगजीन कहाँ है। ठीक, इब्राहिम आताइतु का, मैंने वो आपको दे दी। आताइतु का, हाँ बिल्कुल, मैंने वो आपको दे दी। हमसे यहाँ हमसे नहीं है, बुक पे। अच्छा, बुक पे हमसे नहीं है। आताइतु का हमसे फी मकतबे, फी मकतबे का, आपके ऑफिस में मैंने कल वो आपको दे दी। दे दे, शाबाश। अखजताहा, आपने उसको ले लिया। वज़अतहा, और आपने उसको रखा। फिर दुर्जे, ड्रायर में, दुर्जे ड्रायर में। अल मुदरिस, अल नाम, अल आन तज़कर तो, तज़कर तो, तज़कर तो, तज़कर तो, अब मुझे याद आया, मुझे याद आया, मुझे याद आ गया। मस्मुक या अखी, आपका नाम क्या है ओ भाई। चलिए आप पढ़िए, फरत पढ़िए आप। हुआ, यानी किसी को मुदरिस ने पूछा था मस्मुका, आपका नाम क्या है भाई, तो हुआ यानी वो जवाब दे रहा है, क्या कह रहा है। अइया तसाला या उस्ताद, तसअलु, अइया या तसअलु या उस्ताद, सर आप मुझे बोल रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं सर, आप मुझसे, यानी जब आप इंग्लिश में कहते हैं अरे आस्क टू मी, आप मुझसे पूछ रहे हैं, अइया या तसअल, मुदरिस कह रहा है नाम, मेरा नाम उकाशा है, उकाशा है, शाबाश। फिर क्या कहता है, इल्तहक्तो, इल्तहक्तो बिल माहद अल्यौम, मैं, अरे अरब के बगैर मुश्किल पढ़ना, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको किसी को, इसकी प्रिपरेशन तो करनी है आपको। अब आगे किसी किताब में एराब नहीं है, इल्तहा, ये एराब जिसने डाल दिए थे ना,
ये तो आप समझिए कि एक ट्रैप था आपको फंसाने के लिए। इल्तहक्तु बिल माहद, जैसे आप उर्दू को इराब के बगैर पढ़ते हैं ना, इस तरह आप अरबी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको जरा थोड़ा सा इब्तिदा में आपको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। इल्तहक्तु, इल्तहका यल्तहिकु इल्तिहाक, यानी इफ्ताल यफ्ताल इफ्तिआल के बदन पर। इल्तहक्तु बिल माहद अल्यौमा, मैं इस इंस्टीट्यूट से आज वाबस्ता हो गया। इल्तहका मीनिंग मैंने आज एडमिशन ले लिया। वल्तहका मई सलासतु, और मेरे साथ और भी तीन कौन, तुल्लाब मिन बलदी, मेरे मुल्क के तीन लोग जो है वो भी क्या आ गए मेरे साथ, उन्होंने भी एडमिशन किया। शाबाश, फिर पढ़ो। हुम फी फसल आखिरा, हुम फी, हुम फी फसलिन, क्योंकि इल्फ़लाम नहीं है, फसलिन फसलिन आखरा, वो दूसरे सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में। हाँ, यहाँ मुराद करेंगे हम सेक्शन या क्लास, वो दूसरे क्लास में, दूसरे सेक्शन में है या उस्ताद। शाबाश, फिर इर्जू अंतसा अदनी, अर्जू 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 रजा यर्जू, पहले मुदारा मुतकलिम, अर्जू अन तसा अदनी ठीक है। आप गौर से देखो मैं कैसे पढ़ता पढ़ूंगा, फिर आप आगे इंशाल्लाह ताला ये इसी तरह पढ़ेंगे। अर्जू अंतुसा इदनी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे। फकत फाततनी दुरूसुन कसीरा, बस मुझे तो बहुत सारे लेसन मिस हो गए, बहुत सारे लेक्चर क्लास मिस हो गए। अल मुदरिस सऊसा ईदू का, मैं आपको हेल्प करूंगा। वह इया हम, और उनको भी आपके साथियों को भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उकाशा लन ननसा मुसाअदत का इयाना अबदा इंशाअल्लाह, हम आपकी हेल्प को जो आप हमें करेंगे उसको कभी नहीं बुला देंगे इंशाअल्लाह। अल मुदरिस अराका तुझी दो अलगत अल अरबिया था, मैं देख रहा हूँ कि आप ठीक अरबी जबान जानते हैं। तुझी दो अजाद यूजी दो मीनस, बहुत अच्छी, मतलब इसको ठीक फ्लेंसी बोल, फ्लेंसी से बोलना और अच्छे अच्छा मतलब ठीक तरीके से बोलना। मन अल्लामा का इयाह, आपको किसने ये सिखाई है। उकाशा अल्लामनी इयाह अभी, इसको मुझे सिखाया है किसने, मेरे बाप ने। अल मुदरिस इकरा अल आयात या हामिद, हामिद जरा आयात पढ़ो। हामिद यस्तईज़ु व युबस्मिलु सुम्मा यक्रा, औज़ु बिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है और फिर पढ़ता है। यह आयत क्या है, आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही से मदद मांगते हैं, आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। सूरह फातिहा की आयत है। दूसरी आयत व कज़ा रब्बुका, और तुम्हारे रब ने, आपके रब ने फैसला फरमा दिया। अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहु, कि आप किसी की इबादत नहीं करेंगे सिर्फ उसी रब की, यानी सिर्फ मेरी इबादत करेंगे, यानी अल्लाह ताला ही फरमाता है ना। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप से एहसान का सलूक करेंगे। ये सूरह इसरा की आयत है। तीसरी आयत युखरिजून अर्रसूल व इयाकुम, आपको यानी रसूल को और आपको निकाल रहे हैं अपने घरों से। सूरह मुमतहिना की आयत है। यानी ये लोग ने आपको निकाला अपने घर से, मक्का से निकाला और मोमिनों को निकाला। व इन्ना औ इयाकुम लअला हुदन औ फी ज़लालिम मुबीन, सूरह सबा में है कि व इन्ना, या तो हम औ इयाकुम या आप, लअला हुदन हिदायत पर हैं, औ फी ज़लालिम मुबीन या गुमराही या बिल्कुल खुली हुई गुमराही में है। तो इसी दौरान जो है युस्माओ रहनीनुल जर्स, अब घंटी जो है उसकी ये बढ़ रही, ये जो है क्या नाम है, आवाज सुनाई दे रही है। हामिद कह रहा है हाजा यौमु ज़ियारतिल मुदरसीन इयाना फिल महजई, ये दिन जो है असातिज़ा की ज़ियारत का है आज हमें, यानी वो हमारी ज़ियारत करेंगे कहाँ, फिल महजई हॉस्टल में, यानी आज हमें हॉस्टल में असातिज़ा के आने का दिन है। नंतज़िरु अल मुदीर व इयाका बाद सलातिल असर, हम मुदीर का यानी प्रिंसिपल का या हेडमास्टर का और आपका इंतज़ार करेंगे नमाज असर के बाद। अल मुदरिस सनज़ूरुकुम इंशाअल्लाह,
इंशाल्लाह हम आपकी ज़ियारत के लिए आएंगे। तो यहीं पे इस लेसन नंबर 27 का ये हिवार पोर्शन जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हमें इंशाल्लाह ताला जो है तमारीन करनी है, तो तमारीन में कल हम इंशाल्लाह ताला ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल को थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब होल सेल में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, चूँकि हमारा टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।